नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे बात डिफेंस सेक्टर की हो या फिर बिजनेस सेक्टर की। लड़कियों ने हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत के पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भागीदारी साबित हो रही है। भारत के इतिहास में भी रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान और पद्मावती जैसी अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपने सामर्थ्य और वीरता का परिचय दिया है। 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े विधेयक को पास कराने की कोशिश करेगी। अभी लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित है। न्यूनतम उम्र सीमा में बदलाव का यह फैसला जया जेटली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की घोषणा की। इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने महिलाओं के कुपोषण और मातृ मृत्यु दर को बताया था। दरअसल सरकार इस कदम की सराहना हो रही है सरकार की जो है इस कदम की सराहना हो रही है क्योंकि कम उम्र में शादी करने से बेटियों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। कम उम्र पे गर्भ धारण करने से उनकी मौत होने का भी ज्यादा खतरा रहता है। सरकार के इस फैसले से मातृ मृत्यु दर में गिरावट होगी और बेटियों को अपने सपने साकार करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि भारत की ज्यादातर परिवारों में 12वीं पास करने के बाद बेटियों की शादी कर दी जाती है। उनके मन में और जीवन में उड़ान भरने का बीज वहीं मर जाता है। सरकार के इस फैसले से देश की बेटियों के पंखों को और नई उड़ान मिलेगी। साल 1978 के कानून से लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की गई। अब 43 साल बाद लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो कानूनी न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित रहने के बावजूद 2019 से 21 के दौरान 20 से 24 साल की 23.3% महिलाएं ऐसी रही जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में की जा चुकी है। साफ है कि चुनौती सिर्फ कानून के प्रावधानों को बेहतर बनाना नहीं बल्कि शिक्षा और आर्थिक विकास के जरिए समाज में उन कानूनों पर अमल के हालात पैदा करना है। सरकार भी नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजना चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को बचाने के इस कार्यक्रम से देश का सेक्स रेशियो में भी सुधार जारी है और कई आंकड़े भी सामने साबित हुए हैं। इसी बीच इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। राहुल जी, सबसे पहला सवाल यही कि ये जो 21 साल उम्र बढ़ा के किया गया, 18 से 21 साल किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये स्वागत योग्य कदम हमें नजर आता है, क्योंकि आप अगर लड़कों की उम्र 21 वर्ष है तो लड़कियों को भी 21 वर्ष किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में जो दबाव है एक तरह से बाल विवाह का दबाव, वो लड़कों की तुलना में लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा है, तो ये एक समस्या है हमारे यहाँ पे। अभी जबकि 18 वर्ष शादी की न्यूनतम उम्र बनी हुई थी, उसके बावजूद भी पूरे देश भर में, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व या पश्चिम, एक तरह से बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लड़कियों की कम उम्र में शादी, 18 से कम उम्र में शादियां अभी भी हो रही है। तो एक तरह से आप अगर 18 पे करने के बावजूद भी अगर उससे नीचे के स्तर पर जो है कि लगातार वो शादियां हो रही है, तो इसको एक चीज किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उच्च शिक्षा के मौके, अगर हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियों के ऊपर जैसे ही 18 वर्ष की होती है तो उनके उच्च शिक्षा के मौके जो है वो खत्म होने लगते हैं और उनके करियर या उड़ान से संबंधित चीजों के ऊपर भी जो है कि वो एक तरह से कहीं कहीं आ जाने लगती है। तो इसलिए इस कदम को मैं स्वागत योग्य मानता हूँ, लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा इन सरकारों को कि जब इस प्रकार के कानून आते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या तैयारी होती है, क्योंकि 18 वर्ष के मामले का ही इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में नहीं हो पाया है ढंग से केवल, और उससे संबंधित जो शिकायत के मामले भी हैं। देखिए, क्योंकि जब समाज ने इसको लड़कियों के विवाह को कम उम्र में इतना उसको इतना स्वीकार कर लिया है कि वो पुलिस तक शिकायतें भी नहीं पहुंचती उसमें, तो यह मामला कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुधार का भी मामला है, क्योंकि अगर पिछले साल के आंकड़े देख रहे हैं तो केवल 786 आंकड़े ऐसे हैं जो कि पुलिस में शिकायत के मामले पहुंचे हैं, तो शिकायत भी नहीं पहुंच पा रहा है। जी,
तो ऐसे में राहुल जी आपने ये कहा कि ये समाज सुधार का मामला है, ये मामला है बेटियों को आगे बढ़ाने का, ये मामला है उनके हक को दिलाने का। फिर इन मामलों में जब पता है कि इतनी सकारात्मक है, इतने साकार किया जा सकता है, पॉजिटिविटी है इस नियम में, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता है, कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फैसला गलत है, और ऐसे ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिसे कहना भी मुश्किल हो सकता है, जिसे कहने में भी खुद में भी शर्म आती है कि ऐसा भी कोई मानसिकता, ऐसा भी कोई सोच रख सकता है कोई पुरुष। देखिए शिवाजी, भारतीय राजनीति जो है वहां पर पुरुषवादी प्रधान है, वो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त राजनीति भारतीय राजनीति में दिखेंगे और अक्रॉस हर पार्टियों में दिख रहे हैं। अभी हम लोग कर्नाटक विधानसभा का ही मामला देख रहे थे कि वहाँ जो कि रमेश कुमार ने जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कैसा शर्मसार बयान दिया था महिलाओं को लेकर, और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे वो किस तरह से ठहाके लगा रहे थे, बाकी लोग ठहाके लगा रहे थे। बिल्कुल, तो एक तरह से जो हमारे राजनेता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं और जो आधी आबादी है उसके डिग्निटी के मामले को वो लोग नहीं उठा पाते। वो नारे जरूर देते हैं, तमाम तरह के नारे देते हैं, तमाम पार्टियां देती हैं, लेकिन जो वो खुद है वो खुद पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है, तो उनकी समस्या कुछ दूसरी किस्म की है। लेकिन हाँ, कई सारे शिकायतों में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अभी भी, क्योंकि देखिए जब आप कानून बनाते हैं तो कानून का इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए भारत में हम लोग देखते हैं कि लगातार नए नए कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। आपको ये चीज पे सोचना पड़ेगा कि अगर 18 वर्ष तो वाला कानून आज से 43 वर्ष पहले बना था, 42 वर्ष पहले बना था, हमने आखिर 40-42 वर्ष में कानून को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा पाए। बिल्कुल, उसके कमियों को देखते हुए जब आप इसमें फिर उस तरह के तमाम प्रावधान करेंगे तभी ये कानून जमीन पे जो कि खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए कानून का इंप्लीमेंट कैसे हो ये अभी भी गंभीर मामला है, नंबर वन। नंबर टू की देखिए, सरकार को ये चाहिए होगा कि आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार और देशवासियों के आर्थिक स्तर को आपको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चूंकि देखिए कानून जब पुराना भी कानून ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था, तो वैसे स्थिति में जहाँ पे शिक्षा दीक्षा की स्थिति बेहतर थी वहाँ पे तो लोग बाल विवाह से बच रहे थे, लेकिन जहाँ पे अशिक्षा और गरीबी की जैसी गंभीर समस्याएं थी वहाँ पे ही बाल विवाह ज्यादा अभी भी हो रही है। तो सरकार को उन मोर्चों पर जागरूकता फैलाने संबंधित मोर्चों पर भी काफी कठिन मेहनत करना पड़ेगा, केवल कानून बना देने भर से इस समस्या का समाधान नहीं होना है। तो ऐसे में राहुल जी, अभी आपने जिक्र किया वो कर्नाटक विधानसभा का ये मामला जहां रमेश कुमार बहुत ही शर्मनाक बयान देते हुए सामने आए, ऐसे समय पर जो मांग की जा रही है, फिर चाहे वो जया बच्चन के द्वारा की जा रही हो, स्मृति ईरानी द्वारा की जा रही हो, साफ तौर उन्होंने मांग की कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि ये जो मांग की जा रही है वो सही है या गलत है? मैं मेरे विचार से तो मांग सही है, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और वो राहुल जी कुछ ना कुछ कार्रवाई या बर्खास्तगी की कार्रवाई? नहीं ना, देखिए बर्खास्त मैं तो कहूंगा बर्खास्तगी की कार्रवाई करते तो वो बड़ी बेहतर होती जी, लेकिन जो व्यवस्था है आप देखिएगा सीमा की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई केवल जो रमेश कुमार को नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की गड़बड़ी है। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष जो जो मौजूद थे राहुल जी उस समय उस वक्त, जो जो वहाँ पर मौजूद थे, जो जो इस शर्मनाक बयान पे हंस रहे थे, ठहाके लगाते नजर आ रहे थे, कार्रवाई उन सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, इन सबों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर जब मैं देखता हूँ जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देखता हूँ, कांग्रेस के बयान देखता हूँ, क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनके बयान तो आज भी शर्मनाक है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के ये सब पहले भी पूर्व में भी इस प्रकार के लोग विवादास्पद बयान देते हुए रहे हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हीं कर्नाटक विधानसभा की अगर हम लोग बातचीत करें तो वहाँ पर कुछ MLA जो है कि वो पॉइंट वीडियो देख रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, बिल्कुल उनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? तो देखिए अब तक उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम लोगों को सीमा भी दबाव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप आधी आबादी को गैर गंभीरता के साथ नहीं ले सकते, आप स्लोगन देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्लोगन देंगे क्या महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, लेकिन जब आपको कार्रवाई करने की बात आती है तो आप उसके ऊपर मुकर जाते। भाजपा या कांग्रेस किसी के भी नेता खुल के कार्रवाई के मामले का समर्थन नहीं करते, वो एक दूसरे के सपनों को गिनाने लग जाते हैं सीमा जी, लेकिन कार्रवाई के मामले पर चुप्पी साध जाते हैं। और बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर देखा जाए ये जो स्लोगन लेकर के आते हैं ये जो वो लोग हैं, आप चाहे प्रियंका गांधी को देख लीजिए, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऐसे नारे लेकर के तो जरूर आ रही हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता किस तरह का बयान दे रहे हैं, फिर चाहे BJP हो या फिर कोई भी हो, वहां पर हंसने वाला या ऐसा शर्मनाक बयान देने वाला हर एक व्यक्ति आरोपी है। इसके साथ ही अब यहाँ पर अगर हम जो हमारा आज का मुद्दा है राहुल जी,
21 साल उम्र की बात की जा रही है। इस पे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई और नेता हो, ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये नियम, ये कानून नहीं लाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आता या फिर हम ये चीज नहीं समझ सकते कि इस कानून में अगर ये 21 साल शादी का प्रावधान उम्र रखा जाएगा तो उससे दिक्कत कहाँ आ सकती है। देखिए, इससे दिक्कत तो कहीं भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने भी बड़े शुरुआत में भूमिका में अच्छी चीज कही कि भाई सामान्यता 12वीं तक की शिक्षा हमारी बच्चियां प्राप्त कर पाती हैं। मैं हर वर्ष जो परीक्षाओं का परिणाम देखता आया हूँ लंबे समय से, आप देखिएगा 10th की टॉपर कौन होती है, हमारी बच्चियां होती है, बालिकाएं 10th की टॉपर होती है। 12वीं की टॉपर अलग अलग बोर्डों में देख लीजिए, अभी 95-99% कौन होती है, हमारी बालिकाएं बच्चियां होती है टॉपर। लेकिन उसके बाद ये टॉपर कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, जब बच्चियां 10th में उनका शानदार प्रदर्शन होता है, 12वीं में उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर प्रदर्शन होता है, लेकिन वो उच्च शिक्षा में नहीं मिलता क्योंकि वो उनके ऊपर शादी का दबाव आ जाता है, वो शादी कर दी जाती है उनकी। तो कम से कम जब 21 वर्ष किया जाएगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ अगर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा तो उनको उच्च शिक्षा के मौके मिलेंगे। देखिए, जो देश बनता है महिला और पुरुष सबों से मिलकर देश बनता है। हम अगर भारत को जो है कि नया न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि न्यू इंडिया में महिलाओं जो मातृशक्ति है उससे पावर का भी प्रयोग किया जाए। मातृशक्ति को छोड़ के आप न्यू इंडिया की सपना हम लोग नहीं देख सकते। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे ये चीज कहना की नहीं है तो धर्म विशेष का जो है कि ये उल्लंघन है या तमाम दूसरे चीजों का उल्लंघन है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे इनके नीतियों का मैं घोर विरोधी रहा हूँ, इनके आर्थिक नीतियों, इनके तमाम दूसरी नीतियों, लेकिन कम से कम अगर वो इस प्रकार का कोई प्रगतिशील सोच लेके अगर वो आ रहे हैं तो उसका जरूर स्वागत किया जाना चाहिए। इसका धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि चुनाव है तो अलग अलग पार्टियां इसके आधार पर भी पोलराइजेशन करने में जुट गई हैं। उसमें ओवैसी जी की पार्टी भी पोलराइजेशन करने का पूरा प्रयास कर रही है, इसको भी एक तरह से धार्मिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए राहुल जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 18 साल में हम यहाँ पर वोट दे सकते हैं, 18 साल में बहुत सरकारी सारे काम हो जाते हैं, वहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया है, यह पितृसत्ता है, इसी की हम सरकार से उम्मीद करते हैं। 18 साल के पुरुष और महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं और सांसद और विधायक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, इसका क्या तालमेल? देखिए, मैं इसमें देखिए वो एक तर्क दे रहे हैं, तर्क ठीक है उनका कि 18 साल के मामले पे जब बच्चों को बालिग मान लिया जाता है, तमाम तरह की चीजें करते हैं तो वो उस आधार पर तर्क दे रहा है, लेकिन हमारे समाज की हकीकत कुछ दूसरी है। हमारे समाज की हकीकत यह है कि यहाँ पे बच्चों को अगर जो है कि जो उनको मौके जो है कि लड़कों को ज्यादा मिलते हैं, लड़कियों को मौके कम मिल पाते हैं। आपको उनके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि लड़कों की शादी जो है 21 वर्ष में होनी चाहिए, उनको उनके उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके करियर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फिर लड़कियों की 18 वर्ष क्यों होनी चाहिए? या तो फिर आप लड़कों का भी ले आइए 18 वर्ष। अगर लड़के लड़कियों को हम समानता के आधार पर देखते हैं तो या तो फिर 21 वर्ष लड़कों की शादी की उम्र है तो आप 21 वर्ष लड़कियों का भी करेंगे, या तो फिर आप अगर हम ओवैसी जी को तर्क को मैं मानता हूँ कि 18 वर्ष में सारे अधिकार प्राप्त हैं तो फिर शादी का अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है, तो फिर लड़कों का भी आप ये डिमांड आप कीजिए कि नहीं भाई तब तो लड़कों का भी आप 18 वर्ष कर दीजिए। देखिए, ये पीछे जाने वाली सोच है। आप कुछ तर्क ऐसा गठन करने का प्रयास करते हैं जो सुनने में काफी अच्छा लगे, लेकिन ये मामला कानूनी से ज्यादा एक तरह से भारत की सामाजिक समस्या है। ये हमारे मूल्यों के सोच की बात है कि हम पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर सोचते हैं, जहाँ पे लड़कों को या पुरुषों को जिस प्रकार से व्यापक अधिकार दिए जाते हैं वही अधिकार जो है कि महिलाओं को या लड़कियों को नहीं दिए जाते, तो ये उस मानसिकता के विरुद्ध लड़ाई है। बिल्कुल राहुल जी, आपने जो यहाँ पर बातें कही और जितने मुद्दों को सही से रखा, ये सारे पॉइंट एकदम सही है और इस पे सोचने की जरूरत भी है सरकार को। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो महिलाओं के हक की बात है, महिला ये जब 18 साल में वोट दे सकती हैं, सरकार चुन सकती हैं, साइन कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, तो अपने जीवन साथी को क्यों नहीं सुन सकती? ऐसे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आया। यहाँ पर प्रावधान 21 साल रखा गया है, सही है या गलत है और किस तरह से ये प्रावधान कैसे चलना चाहिए और इसके बारे में महिलाएं क्या सोच रखती हैं, सभी चीज हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम लाइव से ऋतु जुड़ गई हैं और सारी महिला सहयोगियों से बात करेंगी और देखते हैं महिला सहयोगियों की क्या प्रतिक्रिया इस विषय पर है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम लाइव में।